This question is of rotational motion. The ratio of radius of gyration of a solid sphere of mass m and radius r about its own axis to the radius of gyration of the thin hollow sphere of same mass and radius about its axis is option 1 5:3, option 2 2:5, option 3 5:2 and option 4 3:5. Students, moment of inertia for solid sphere about its central axis is 2/5 mr square. Same formula in terms of radius of gyration will be m k square. K is radius of gyration, किसका सर? सॉलिड स्फीयर का. सो मास विल कैंसल आउट. हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें k मिलने वाला है फॉर सॉलिड स्फीयर इज इक्वल्स टू √2/5 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस. करेक्ट है. सो k फॉर सॉलिड स्फीयर इज इक्वल्स टू √2/5 टाइम्स ऑफ रेडियस r. नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर हॉलो स्फीयर अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस विल बी 2/3 mr square. सेम फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन विल बी एम के स्क्वायर. के किसका है सर? हॉलो स्फीयर का. एच एस मास कैंसल आउट होगा, आप दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको के मिलने वाला है फॉर हॉलो स्फीयर इज इक्वल्स टू √2/3 टाइम्स ऑफ आर. करेक्ट है. नाउ दे आर डिमांडिंग रेशियो बेटा. रेशियो k का रेशियो k ऑफ अ सॉलिड स्फीयर डिवाइडेड बाय k ऑफ अ हॉलो स्फीयर इज इक्वल्स टू √2/5. इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग बाय √2/3 मैं रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई कर लूँगा. √3/2 से मल्टीप्लाई. करेक्ट है स्टूडेंट्स. √2 विल कैंसल आउट. आपको मिलने वाला है √3/5 बेटा. सो आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, किसी भी ऑप्शन में स्क्वायर रूट नहीं दिया गया है. सो आई थिंक अगर ऑप्शन 4 में स्क्वायर रूट डाल देते हैं तो ये सारे ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे एंड देन आपका आंसर की हो जाएगा बेटा 4. अगर स्क्वायर रूट डालेंगे तो आपका आंसर की हो जाएगा आंसर की 4. आर यू फॉलोइंग दिस? यस.